सनी देओल की पहली फिल्म थी बेताब। ये मूवी साल 1983 में आई थी। ये फिल्म, इस मूवी का बजट 1,95,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 9 करोड़ रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी सनी, साल 1984 में आई थी। ये फिल्म, इस मूवी का बजट 1 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 55 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी सनी देओल की मंजिल मंजिल। ये मूवी साल 1984 में आई थी। इस मूवी का बजट 85 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1,40,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी सोनी महिमाल। ये मूवी साल 1984 में आई थी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4 करोड़ रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म थी सनी देओल की अर्जुन। ये मूवी साल 1985 में आई थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 8,05,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट साबित हुई। सनी देओल की अगली फिल्म थी जबरदस्त। ये मूवी साल 1985 में आई थी। इस मूवी का बजट 1,82,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1,85,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इनकी अगली फिल्म थी सवेले वाली गाड़ी। ये मूवी साल 1986 में आई थी। इस मूवी का बजट 1,20,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 55 लाख रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। सनी देओल की अगली फिल्म थी संसलत। ये मूवी साल 1986 में आई थी। इस मूवी का बजट 2,90,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 करोड़ रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी समंदर। ये मूवी साल 1986 में आई थी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 56 लाख रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी डकैत। ये मूवी साल 1987 में आई थी। इस मूवी का बजट 1,84,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4 करोड़ रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। सनी देओल की अगली फिल्म थी पाप की दुनिया। ये मूवी साल 1988 में आई थी। इस मूवी का बजट 2,40,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 9,50,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी राम अवतार। ये मूवी साल 1988 में आई थी। इस मूवी का बजट 1,60,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1,50,000,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म थी सनी देओल की यतीम, जो साल 1988 में आई थी। इस मूवी का बजट 1,50,000,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3,10,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी इंतकाम। ये मूवी साल 1988 में आई थी। इस फिल्म का बजट 2,08,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2,90,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म थी बर्दी। ये मूवी साल 1989 में आई थी। इस मूवी का बजट 3,10,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 10,20,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी जोशीले। 1989 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 2,85,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3,80,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी त्रिदेव। ये मूवी साल 1989 में आई थी। इस मूवी का बजट 2,97,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 14 करोड़ रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी नगीना 2। ये मूवी साल 1989 में आई थी। इस फिल्म का बजट 2,10,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 6,20,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी चालबाज। ये मूवी साल 1989 में आई थी। इस मूवी का बजट 2,80,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 15 करोड़ रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी आग का गोला। ये मूवी साल 1989 में आई थी। इस फिल्म का बजट 2,30,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया
इंडिया पर 4,10,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। दोस्तों, सनी देओल की अगली फिल्म थी मजबूर। ये मूवी साल 1990 में आई थी। इस फिल्म का बजट 1 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1,57,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों, अगली फिल्म थी सनी देओल की क्रोध। ये मूवी साल 1990 में आई थी। इस मूवी का बजट 2,45,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2,75,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी घायल। ये मूवी साल 1990 में आई थी। इस फिल्म का बजट 2,50,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 16 करोड़ रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी विष्णु देवा। ये मूवी साल 1991 में आई थी। इस मूवी का बजट 2,60,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5,20,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी योद्धा। ये मूवी साल 1991 में आई थी। ये फिल्म इस मूवी का बजट 2,95,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3,35,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी संग्राम। ये मूवी साल 1991 में आई थी। ये फिल्म इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2,50,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी नरसिम्हा। ये मूवी साल 1991 में आई थी। ये फिल्म इस मूवी का बजट 2,60,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 9 करोड़ रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी विश्वात्मा। ये मूवी साल 1992 में आई थी। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रुपए था। इस बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 9,50,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी क्षत्रिय। ये मूवी साल 1993 में आई थी। इस मूवी का बजट 5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 8 करोड़ रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी लुटेरे। ये मूवी साल 1993 में आई थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 9 करोड़ रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई थी। दोस्तों, सनी देओल की अगली फिल्म थी दामिनी। ये मूवी साल 1993 में आई थी। इस मूवी का बजट 3,12,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 12 करोड़ रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी इज्जत की रोटी। ये मूवी साल 1993 में आई थी। ये फिल्म इस मूवी का बजट 2 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1,35,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी वीरदा। ये मूवी साल 1993 में आई थी। इस मूवी का बजट 1,80,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3,40,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी गुना। ये मूवी साल 1993 में आई थी। इस फिल्म का बजट 2,65,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर टोटल कलेक्शन किया था 4,70,00,000 रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी डर। ये मूवी साल 1993 में आई थी। इस फिल्म का बजट 2,25,00,000 रुपए था। 3,25,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 21,31,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी इंसानियत। इस फिल्म का बजट 4,25,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 11,22,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी इम्तिहान। ये मूवी साल 1994 में आई थी। ये फिल्म इस फिल्म का बजट 1,90,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5,87,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी दुश्मनी। ये मूवी साल 1995 में आई थी। ये फिल्म इस फिल्म का बजट 5,75,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 7,04,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी अनरक्षक। ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 1995 को। इस मूवी का बजट 4,75,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर
9,82,00,000 रुपए कमाई थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी हिम्मत। ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 1996 को। इस मूवी का बजट 4,75,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 8,10,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी जीत। साल 1996 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 7,25,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 29,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी घातक। ये मूवी साल 1996 में आई थी। इस फिल्म का बजट 6,25,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 27,00,000 रुपए कमाए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी अजय। ये मूवी साल 1996 में आई थी। इस फिल्म का बजट 6,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 17,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी जिद्दी, जो साल 1997 में आई थी। इस मूवी का बजट 7,50,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 32,44,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी बॉर्डर, साल 1997 में आई थी। इस फिल्म का बजट 9,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 66,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी कहर, साल 1997 में आई थी। इस फिल्म का बजट 4,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 9,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी जोर, जो कि साल 1998 में आई थी। इस फिल्म का बजट 10,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 18,60,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी सलाखें। इस मूवी का बजट 9,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 16,98,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी प्यार कोई खेल नहीं। ये फिल्म साल 1999 में आई थी। इस फिल्म का बजट 8,50,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 13,03,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी अर्जुन पंडित। ये फिल्म साल 1999 में आई थी। इस फिल्म का बजट 9,50,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 20,07,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी दिल लगी, 1999 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 14,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 21,22,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सनी देओल की अगली फिल्म थी चैंपियन, सन 2000 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 10,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 14,44,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। 84,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सनी देओल की अगली फिल्म थी फर्श, सन 2001 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 10,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 20,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। सनी देओल की अगली फिल्म थी गदर, सन 2001 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 19,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 134,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी इंडियन, जो कि सन 2001 में आई थी। इस फिल्म का बजट 15,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 82,61,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी कसम, सन 2001 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 1,75,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2,40,00,000 रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी माँ तुझे सलाम, सन 2002 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 13,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 22,84,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी शहीद, ये सन 2002 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 20,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर टोटल कलेक्शन किया था 14,25,00,000 रुपए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी जानी दुश्मन, सन 2002 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 18,00,000 रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस
इंडिया पर 19 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी कर्ज, जो कि सन 2002 में आई थी। इस फिल्म का बजट 11 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 15 करोड़ 60 लाख रुपए का टोटल कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी द हीरो। ये मूवी सन 2003 में आई थी। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 45 करोड़ 13 लाख रुपए की शानदार कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी जाल्डट रेन। इस फिल्म का बजट 12 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 11 करोड़ 83 लाख रुपए की शानदार कमाई की थी सॉरी माफ करना 63 लाख रुपए की शानदार कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी खेल। सन 2003 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 13 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 11 करोड़ 70 लाख रुपए की शानदार कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी लकी, जो कि सन 2004 में आई थी। इस फिल्म का बजट 16 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 7 करोड़ 97 लाख रुपए की शानदार कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी रोक सको तो रोक लो। ये मूवी सन 2004 में आई थी। इस फिल्म का बजट 4 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 करोड़ रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी जो बोले सोलियार। ये मूवी सन 2005 में आई थी। इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 14 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी तीसरी आंख। सन 2006 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 12 करोड़ 50 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 6 करोड़ 61 लाख रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी नक्शा। सन 2006 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 22 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 9 करोड़ 93 लाख रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी बिग ब्रदर। ये मूवी सन 2007 में आई थी। इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 13 करोड़ रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी फॉल द फाइनल। ये मूवी सन 2007 में आई थी। इस फिल्म का बजट 26 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 27 करोड़ 62 लाख रुपए की शानदार कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी अपने। सन 2007 में आई थी। इस फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 39 करोड़ रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी हीरो। सन 2008 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 18 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 25 करोड़ रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी चमत्कार। सन 2009 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी राइट या रॉन्ग। ये सन 2010 में आई थी। इस फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 करोड़ 57 लाख रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी यमला पगला दीवाना। सन 2011 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 24 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 89 करोड़ 11 लाख रुपए की शानदार कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी यमला पगला दीवाना 2। सन 2013 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 57 करोड़ रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी सिंह साब द ड्रिंग। ये मूवी सन 2013 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर टोटल कलेक्शन किया था 40 करोड़ का। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी डिस्काउंट। ये सन
सन 2014 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर टोटल कलेक्शन किया था 14 करोड़ का और ये फिल्म इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म आई थी आई लव यू। ये मूवी फिल्म का जो बजट है वो पता नहीं चल पाया। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3.90 करोड़ रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी घायल वन अगेन। सन 2016 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 56 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी पोस्टर बॉय। ये मूवी सन 2017 में आई थी। इस फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 17 करोड़ रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी यमला पगला दीवाना फिर से। सन 2018 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 19 करोड़ रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी भैया जी सुपर हिट। सन 2018 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 8 करोड़ रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। सनी देओल की अगली फिल्म थी ब्लैंक। ये मूवी सन 2019 में आई थी। इस फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 6.60 करोड़ रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। सनी देओल की अगली फिल्म थी चुप जो कि सन 2022 में आई थी। इस फिल्म का बजट 13 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 20 करोड़ रुपए कमाए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी।